डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो अपने न्यूटन्स के तीन लॉज डिस्कस किए, उसके बेसिस पे स्टैटिक्स के क्वेश्चंस किए। अब न्यूटन्स के तीन लॉज के अंडरस्टैंडिंग और स्टैटिक्स के क्वेश्चन के बाद अपन ने शुरू किए थे डायनेमिक्स के क्वेश्चन, सही बात है, ठीक है। और वो जो डायनेमिक्स के क्वेश्चन है, डायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है, वो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में हम पुली बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब जिन क्वेश्चंस में पुली वगैरह होती है, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सो एवरीबॉडी पे अटेंशन। पहले मैं शुरुआत में क्या करूंगा आपको, ठीक है, एक सेकेंड, इसको साइलेंट ही कर देता हूं मैं, लेट मी मेक इट साइलेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा कि पुलिस के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस इन विच देयर इज अ पुली, ठीक है। पहले वो करेंगे और उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन पे जाएंगे, ओके, उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन पे जाएंगे। एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग ऑन यूट्यूब, हाई एवरीवन, ओके, कोई वीडियो ऑडियो में कोई भी दिक्कत आ जाए तो मेरे को पहले बोल दो, ठीक है, आपके बिना बताए मुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही। एक सेकेंड आएगा, थोड़ा सा फिल्टर का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, अब ठीक है, अब ओके ना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, देखो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट आई विल सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस, देन आई विल गिव यू टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला एकदम इजी क्वेश्चन लूंगा मैं, स्टार्टिंग में इजी, देन वी विल रेज द डिफिकल्टी लेवल, फिर बाद में अपन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। लेट अस कंसिडर फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये पुली यहां पे एक मास कनेक्टेड है M2, यहां पे एक मास कनेक्टेड है M1, और आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का। कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइंड एक्सेलरेशन A एंड टेंशन T, और टेंशन T भी फाइंड करने का, एक्सेलरेशन भी फाइंड करने का और टेंशन भी फाइंड करने का। कैसे करोगे, देखो वेरी इजी, जैसे कि मैंने अब तक आप लोगों को बताया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की, क्या ड्रॉ करने का, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले M2 की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, देखो M2 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे जो टेंशन है, ये टेंशन लग रहा है यहाँ पे, M2 का खुद का ग्रेविटी का फोर्स होगा तो वो लगेगा एम टू जी, और इसका एक्सेलरेशन डाउन है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, डाउनवर्ड एम टू जी माइनस टेंशन टी इक्वल टू मास इज एम टू एक्सेलरेशन इज ए, गॉट इट। ये आ गया इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया एक मास के लिए। अभी दूसरा मास कौन सा, एम वन। अभी तुम एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम निकालो, एम वन पे टेंशन क्या लग रहा है, टी, ओके। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपली। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टेम्पटेशन हो रहा होगा कि सर इसका शॉर्टकट है ना, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बट बेयर विथ मी, मेरे साथ चलो, फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की आदत डाल दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है फिजिक्स में, सो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम इन ईच एंड एवरी केस। ये सिंपल है इसलिए यहाँ पे डायग्राम इजी आ रही है, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, टी, मास कितना है, एम वन, और एक्सेलरेशन ए। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अभी इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों को क्या करो, ऐड करो, ऐड करो इक्वेशन नंबर वन एंड टू। ऐड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे है माइनस टी ऊपर वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे प्लस टी, ऐड करोगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड में बचेगा एम टू जी, और राइट साइड में आएगा एम टू ए और एम वन ए,
ए कॉमन निकालो, एम टू प्लस एम वन इंटू ए, ए विल बी इक्वल टू एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आपका आंसर है। चलो बोलो समझे है कि नहीं समझे। अरे मैंने हेडिंग चेंज ही नहीं की शायद आज, ये लेक्चर नंबर 6 है ना, मैंने 5 ही लिखा है ऊपर। चलो बोलो भाई समझ में आया क्या, अंडरस्टूड? प्रेरणा बोल रही कि थोड़ा सा लैग हो रहा है, सोहेल बोल रहा है कि नहीं समझा। सोहेल बेटा बताओ मेरे को क्या नहीं समझा, और प्रेरणा अगर लैग हो रहा है साउंड और ऑडियो वीडियो में तो बेटा आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे लैग नहीं महसूस होगा आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिक्कत तो है ही। सोहेल बात करो बेटा, मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझा? हाँ बेटा हाँ, सोहेल बेटा ये बताओ तुमको क्या दिक्कत आ रही है बेटा? सोहेल इक्वेशन टू कैसे आया बेटा? इक्वेशन टू में ना मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की, इस मास की। देखो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी आएगी ना, एम वन, इस पे ये टेंशन टी है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना बेटा। मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं बीच में भटक गया था शायद, ये टेंशन टी फोर्स है, मास एम वन है और एक्सेलरेशन ए। अगर तुम में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तुमने ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं ली, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन की नॉर्मल रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या? अब जैसे मैंने यहां पे किया डिट्टो सेम टू सेम, अगला एग्जांपल आप लोग करो। अच्छा ये तो एक्सेलरेशन हो गया, वन सेकेंड ना, अपने को टेंशन भी फाइंड करना था ना, तो टेंशन भी आ जाएगा। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में, यहाँ पे टेंशन टी क्या आ जाएगा, एम वन ए, मतलब एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, यह आ गया टेंशन। चलो एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा, शुड आई डू दैट? ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है ही नहीं ना नॉर्मल रिएक्शन का भाई, यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन का एप्लीकेशन है क्या? कोई एप्लीकेशन नहीं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का, कोई लेना देना है ही नहीं नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन उस M1 मास की नहीं है, सिर्फ M2 मास की है। समझो इस बात को, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं खुद सॉल्व करके बोलता हूं, अगला एग्जाम्पल आप लोग करो। फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी, इसको फास्ट कैसे करना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ये मास है एम टू, ये मास है एम वन, एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी फाइंड करना है। अगेन सेम प्रोसीजर, नो डिफरेंस, प्रोसीजर फिर से सेम आएगी, ध्यान दो एवरीबॉडी केयरफुली। एक काम करो, यहां पे भी टेंशन टी है, एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है, एम टू का डायग्राम निकालो पहले, ये एम टू है, यहां पे टेंशन टी लग रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए, डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, एम टू जी। अभी इक्वेशन लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना एम टू, एक्सेलरेशन कितना ए, यह आएगा इक्वेशन नंबर वन। ये एम टू मास का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, एम टू मास का फ्री बॉडी डायग्राम, अभी एम वन का ड्रॉ करूंगा मैं। ये देखो एम वन, एम वन पे टेंशन लग रहा है अपवर्ड, एम वन पे ग्रेविटी का फोर्स एम वन जी, और इसका एक्सेलरेशन डाउन है तो इसका एक्सेलरेशन अप आएगा ना, एक्सेलरेशन भी दिखाओ डायग्राम में। अब इक्वेशन लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या आएगा नेट फोर्स, टी माइनस एम वन जी, मास एम वन एक्सेलरेशन ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। ये बात को समझो कि दो इक्वेशंस कैसे आए, एक बार दो इक्वेशंस आ गए कि इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू,
दोनों को ऐड करो, ऐड करने से क्या तो ते होगा एक्सेलरेशन वरती का घेतलं बेटा, ये बघ, एक वस्तु खाली गेली तर एक वस्तु वर जाणार नाही का बेटा? ही जर वस्तु खाली गेली तर ही वस्तु वर अच्छा नाही हाँ जाणार. हाँ सर तो वरती ओके लक्ष कधी द्या, पण ऍडच करायचं ना काय करायचं? कधी पण ऍडच करायचं का ते नाही, इक्वेशन ऍड करायचं का सबस्ट्रॅक्ट करायचं तुझ्या हातामध्ये. आता मला टेन्शन टी कॅन्सल करायचंय, मला ऍक्सलरेशन काढायचंय, म्हणून मी ऍड करतोय. कारण मला दिसतंय ना इथे की इथे मायनस टी आहे, इथे प्लस टी आहे, ऍड केल्यावर कॅन्सल होतील ना ते, है की सर नाही? अगर M1 का मास ज्यादा हो तो तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, M1 का मास ज्यादा होगा तो, है कि नहीं? तो ये M2G, छत्तीस माइनस M1 भी ये M2G और ये M1G, ये माइनस M1G, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा M2A प्लस M1A, M2A प्लस M1A. अभी A कॉमन ले लो. हाँ बेटा, वो T-M1G क्यों लिया क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में नोटिस करोगे तो यहां पे टेंशन टी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है बेटा वो टेंशन वो फोर्स पॉजिटिव लेना पड़ता है ना. मुझे बताओ, जब तुम नेट फोर्स निकालते हो कैसे निकालते हो नेट फोर्स? इसलिए मैंने कहा था मेरे जो पिछले लेक्चर है उसको केयरफुली देखो, ऑब्जर्व करो. ये बहुत बार बता भी चुका हूं मैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट निगेटिव, इसलिए टी माइनस एम वन जी किया मैंने. ओके अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, M2 माइनस M1 इंटू जी, तो ए हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M2 प्लस M1. यह आ गया आपका आंसर, यह एक्सेलरेशन आ गया, यह आ गया एक्सेलरेशन. अगर टेंशन निकालना है तो ऊपर दो इक्वेशंस है ना, दोनों में से किसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन डाल दो. मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, M2G माइनस T इक्वल टू M2A. मैं एक काम करता हूँ, M2G माइनस T इक्वल टू M2A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M2 प्लस M1. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बस. अब देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वाला ब्रैकेट जो है ना ये इधर लेके आ जाओ और टेंशन टी इधर लेके जाओ. ये होगा M2G माइनस M2 इंटू M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 इज इक्वल टी, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया टी. ओके अभी इसको सॉल्व करो, इसमें से M2G और M2G कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इज इक्वल टू टी. सॉल्व करो अभी इसको, ये एक के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सब्सट्रैक्शन तो आप जानते हो कैसे करने का. M2 प्लस M1 माइनस M2, ये देखो ये माइनस इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, ये प्लस M1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 इज इक्वल टू टी. तो सॉरी, माइनस M2 कैंसिल, M1 वैसा रहेगा. M1 प्लस M1 कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ M1, ये होगा ट्वाइस ऑफ M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टी. ये अपना आंसर है, ये आ गया टेंशन. समझे कि नहीं समझे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अबे अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, और जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, दो फ्री बॉडी डायग्राम आएंगी, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, नो शॉर्टकट्स एंड नो चीटिंग. ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी. मैं चाहता हूं कि ये प्रोसीजर आपको एकदम पक्की समझ में आ जाए. M2 M1, डू यू वॉन्ट टू गिव मी वैल्यूज? वैल्यूज दे दू क्या मैं इस मासेस की? अच्छा चलो वैल्यूज दे देता हूं मैं. ये एंगल 30 डिग्री है, M1 ले लो 2 kg, M2 ले लो 3 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी.
और स्मूथ सरफेसेस है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। यू कैन डू इट। श्वेता, अस्मिता, ऋषिकेश, जहीर जो YouTube पे देख रहे, समझ में आ रहा है ना बेटा? अमन, साक्षी, कुणाल, साईनाथ, मानसी, समृद्धि, सोहेल, वैष्णवी, प्रेरणा, सब लोग चलो ट्राई करो। फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी। आ गया आंसर? बोल दो बेटा क्या आया आंसर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, लेट अस सी कि आपका आंसर करेक्ट है या। टेंशन 24 न्यूटन। टेंशन 24 आ रहा है? साईनाथ ने भी वही आंसर दिया है, 3 m/s², लेट अस सी। एक काम करते, यहाँ पे टेंशन टी मान के चलते, और एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं है तो वो फाइंड करने का है। सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम निकालो। ये M1 है, इसके ऊपर लग रहा है टेंशन T, इसका एक्सेलरेशन A। लगाओ इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना यहाँ पे T, मास कितना M1, एक्सेलरेशन A। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज भी पुट कर दो फटाफट। M1 की वैल्यू 2 kg है, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2A। 1 आ गया इक्वेशन नंबर 1। अभी M2 की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो M2 की फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसी आएगी। ये M2 है, इधर नीचे खींचने वाला फोर्स M2G को रिजोल्व करना पड़ेगा, M2G sin theta, और इधर M2G cos theta। अब M2G cos theta जो है ना, उसको नॉर्मल रिएक्शन भाई बैलेंस कर लेगी, उसकी चिंता तुम मत करो, उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगी। और रही बात, ये जो स्ट्रिंग है तो ये टेंशन इसको पीछे खींच रहा है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, सही बात है? तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लेने का होता है हमेशा, उसके अपोजिट वाला निगेटिव। इक्वेशन लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सारे क्वेश्चंस इसी इक्वेशन से होते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? M2G sin theta minus T equal to mass कितना है? M2 acceleration A। वैल्यूज पुट कर दो, M2 3 kg दिया है, 3 into G sin theta is sin 30 degree minus T equal to M2 3 into A, ये हो जाएगा 3G sin 30 is 1/2, 3G by 2 minus T equal to 3A। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गए भाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे करोगे? ये टेंशन की वैल्यू जो है ना, इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 3g by 2 minus 2a equal to 3a, 3g by 2, ये 2a इधर जाएगा, ये हो जाएगा 5a, a is equal to 3g by 10 which is 3 m/s². ये आ गया एक्सेलरेशन। और वंस यू फाइंड द एक्सेलरेशन, टेंशन फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन आ जाएगा पहले इक्वेशन से आ जाएगा, 2a ना, तो 2 into 3 ये 6 न्यूटन। तो बेटा 24 किसने बोला था? आंसर गलत है, ये करेक्ट आंसर है, हमने कुछ तो भी मिस्टेक कर दी। हाँ फिर करेक्ट है आपका, एक्सेलरेशन अगर 3 आया है तो करेक्ट है, टेंशन अगर 6 न्यूटन आया तो करेक्ट है। ओके ऋषिकेश, 0.3 m/s² नहीं, 3 m/s² आंसर है, 0.3 ने टमाटर। अक्षरा, टेंशन 24 न्यूटन नहीं आता बेटा, टेंशन 6 न्यूटन आता है, ठीक से देखो। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ऐसा लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है,
One more example. Find tension T and acceleration A of the masses. अब डायग्राम देखो, डायग्राम केयरफुल देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसे डायग्राम है, ठीक से देखो भाई, सारे सरफेसेस स्मूथ है. ये ऐसा है और ये ऐसा. गुड थिंग इज कि ये 1 kg है और ये भी 1 kg है. चलो फाइंड करो. ये दिया 5 meter, ये 3 meter, ये 4 meter. फाइंड करो एक्सेलरेशन कितना आएगा, टेंशन टी कितना आएगा. ओके, ऋषिकेश बोल रहा है सर आई फॉरगॉट टू टेक जी. अरे टमाटर जी बोली है तू. दिव्या बोल रही है कि आंसर जीरो है. दिव्या आंसर जीरो नहीं आएगा बेटा. तुमको क्या लगा दोनों तरफ मास सेम है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? अरे तुम ये देखो ना, यहाँ पे इंक्लिनेशन अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा बेटा यहाँ पे. चलो इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 1 minute. सर एक्सेलरेशन जी बाय 10. ओके, मतलब 1 meter per second स्क्वायर. और टेंशन कितना था बेटा? हाँ बोल बेटा. मागच्या क्वेश्चन मध्ये जेव्हा M2 चं रिझॉल्यूशन करत होतो आपण, थीटा कसा घेतला मागच्या क्वेश्चन मध्ये? का हा थीटा होता ना बेटा, हा थीटा होता ना. तर रिझोल्युशन करताना नेहमी लक्षात ठेव. हे बघ, समजा असं आहे, ठीक आहे, हे एम आहे. ऑलवेज रिमेंबर दिस, जिसको पता नहीं मैं सबको बोल रहा हूँ. तो mg का फोर्स होता है ऐसे डाउनवर्ड, तो इसके अलोंग होता है हमेशा mg sin theta and perpendicular होता है हमेशा mg cos theta. Because this is theta ना, then this is also theta. बेटा समझते है क्या? सर 8 newton आणि टेंशन 8 newton का? टेंशन. ओके सर, माझा 8 newton. देखो सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करो, एक्सेलरेशन 3 meter, 4 meter एंड 5 meter है ना, तो ये 90 degree एंगल है. ठीक है, और अल्फा बीटा तुम साइन अल्फा साइन बीटा फाइंड कर सकते हो. ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता क्या? तो ये 4 meter है ना, इसके अपोजिट वाला एंगल 53 degree हो जाएगा. और ये 3 meter है, इसके अपोजिट वाला 37, और ये 5 meter है, तो ये 90 degree. तो अल्फा कितना है? 53 degree. और बीटा कितना है? 37 degree. तो यहाँ पे एंगल डायरेक्टली दिए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो दिए है ना, लेकिन नहीं. अभी तुम क्या करो, एक एक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. मैं काम करता हूँ, दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम एक ही इसमें ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, यहां पे लग रहा है ये मास, इसको एम पकड़ता हूं मैं, इसको ऊपर खींचने वाला टेंशन टी, नीचे खींचने वाला एम जी साइन अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन इधर है. मैंने एक्सेलरेशन इधर क्यों लिया भाई, उसका रीजन भी बोलता हूं मैं, क्योंकि ये एंगल ज्यादा था 53 degree, इसलिए. तो उधर इंक्लिनेशन ज्यादा है ना, उधर ज्यादा स्लाइड होने के चांसेस है. और फिर दूसरा मास जो है उसका इधर आएगा एम, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, यह है एम जी साइन बीटा, और पीछे खींचने वाला टेंशन टी, और इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा ना. चलो मैंने दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ली. अब मैं दोनों के इक्वेशन लिख रहा हूं, पे अटेंशन. दोनों के इक्वेशन कैसे लिखता हूं मैं, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव. नेट फोर्स इक्वल टू मास
इनटू एक्सेलरेशन, सही बात है। देख लो ये कितना आएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस टी बैकवर्ड है माइनस टी, मास इज एम, एक्सेलरेशन इज ए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 1 kg इंटू जी इज 10, साइन अल्फा इज साइन 53, साइन 53 कितना होता है भाई, 4/5, 4/5 माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू ए, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 8 माइनस टी इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट मास का हो गया, अभी मैं सेकंड मास का ड्रॉ करता हूँ। देखो सेकंड मास के लिए इक्वेशन क्या आएगा, सेम इक्वेशन, तो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स एम जी साइन बीटा, ना, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, एक्सेलरेशन इधर अपवर्ड है ना, इधर है ना एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स पॉजिटिव लेना पड़ता है, यहाँ पे टेंशन टी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा टेंशन टी माइनस पीछे खींचने वाला एम जी साइन बीटा इज इक्वल टू एम ए। अब वैल्यूज पुट करो, टी माइनस 1 × 10, साइन बीटा, बीटा कितना यहाँ पे 37, 37 का साइन होता है 3/5, ये 37 3/5, तो 3/5 पुट करो, ये आएगा 1 × a, ये बन जाएगा टी माइनस 6 इक्वल टू ए। ये आता है इक्वेशन नंबर 2, ये था इक्वेशन नंबर 1। हाँ बेटा बोलो, कौन सा बेटा, क्या कहां से आया, ए कहां से आया, ए एट कहां से आया, एट बेटा, ये 4 × 8, परत विचार बेटा काय म्हणतोय, मला लक्षात नाही आलं ऍक्च्युअली, हे बघ हे 5 आहे तिथे, हे 4 आहे, 4/5 × 10, हे बघ डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, बाकी काही इम्पॉर्टंट नाही, मेन, अरे हे बघ, अरे हे 3 मीटर आहे, 3 मीटरच्या अपोजिट 37, हे 4 मीटर आहे, 4 मीटरच्या अपोजिट 53, 20 डिग्री डिवाइड ना, 5 मीटर 2.5 2.5 काय डिवाइड होईल, 2.5 2.5, 5 मीटर आहे, काय 5 मीटर आहे, हे 5 मीटर आहे ना बेटा, हा ट्रायंगल दिसतोय तुला, समजलं सर, टमाट्या इतक्या बेसिक गोष्टी मध्ये जर तुम्हाला अडचण डाऊट यायला लागले तर कसं व्हायचं रे, इतक्या बेसिक मध्ये जर अडचण यायला लागली तर काय होईल, मला सांग कसं जमेल, एक्झाम मध्ये इतका वेळ थोडी असतो आपल्याकडे, फटाफट फटाफट करावं लागतं एकदम, ओके, छोट्या छोट्या गोष्टी एकदम फटाफट ग्रास करता आल्या पाहिजे तुम्हाला। आता हे आले 2 इक्वेशन, आता दोघांना ऍड करा, दोघांना ऍड करा, इक्वेशन नंबर 1 अँड टी मायनस 6 इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 2 ऍड करने के बाद क्या आएगा, टी और टी कॅन्सल, 8 - 6 इक्वल टू 2 ए, 8 - 6 कितना आएगा, 2 इक्वल टू 2 ए, ए इज इक्वल टू 1 m/s², जैसे ए आ जाएगा वैसे टेंशन भी आ जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, टी माइनस सिक्स इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ए प्लस 6 इज 7 N, दिस इज द आंसर, समझे कि नहीं समझे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब मैं तुमको ये बोलता हूँ, अभी तुमने डायग्राम वगैरह या एक और क्वेश्चन करते हो क्या, फिर एक और क्वेश्चन करो, चलो एक सेकंड ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम लोगों को, जिसमें तुम लोगों को सोचना पड़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अपन ने किए ना सारे, देखो तुमको अगर ये तो बहुत ईजी डायरेक्टली फाइंड करना, कभी कभी क्या करेंगे तुमको जान बूझ के ना, दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, लेकिन कुछ और पूछ लेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या पूछेंगे आपको, दे विल नॉट आस्क यू टेंशन, जैसे मैंने क्या पूछा यहाँ पे, फाइन टेंशन एंड एक्सेलरेशन, क्या करेंगे, टेंशन नहीं पूछेंगे, एक्सेलरेशन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग
on this pulley, what is the force acting on the pulley? ऐसा पूछेंगे एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो. अब आप ही बताओ इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली? 2T. गलत. 2T कैसे गलत बेटा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है टमाटर. तो ये टेंशन टी इधर, ये टेंशन टी इधर, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री. तो दोनों टेंशन टी का क्या हो जाएगा, ये टी 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 नेट हो जाएगा रूट टू टी. तो 7√2 न्यूटन आएगा आंसर. मतलब तुमको ये सारा प्रोसीजर करके टेंशन 7 न्यूटन फाइंड करके फिर तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा. एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं यार, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी ये आप लोगों को ट्राई करना है सबसे पहले. आप अब देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, पे अटेंशन. एग्जाम में ऐसा पूछेंगे, कंसिडर द टू मासेस शोन इन द फिगर M1 M2. ठीक है, कंसिडर टू मासेस शोन इन फिगर. देखो ध्यान दो, शोन इन फिगर M2 इज मोर देन M1, बोल दिया ऑलरेडी. ओके पे अटेंशन, M2 इज मोर देन M1. अब आपको क्या बोलेंगे, इनिशियली द पुली वॉज क्लैम्प्ड. इनिशियली क्या है, पुली क्लैम्प है. इनिशियली The pulley was clamped. Initially the pulley was clamped. ठीक है, okay. After some time, the clamp is removed. And masses are released. Find the change in force. Acting on the selling. जो सीलिंग है ना, इसके ऊपर जो एक्ट होने वाला फोर्स है उसमें कितना चेंज आया ये फाइंड करो. अभी सोचो, मैं आपको एक वन मिनट दे रहा हूं. सोच समझ के करो, लेकिन ना जल्दबाजी में. कंसिडर टू मासेस शोन इन फिगर, M2 is more than M1. Initially, the pulley was clamped. After some time, the clamp is removed and masses are released. Find the change in force acting on the ceiling. Clamp मतलब उसको पकड़ के रखा है. Clamp का मतलब समझते हो ना यार तुम लोग? Clamp मतलब इसको पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे. हाँ बेटा. Can be M1 plus M2 is lagi. नो, इनिशियल म्हणतोय का तू? हां. आणि फायनल किती लागेल? मग चेंज किती झाला तो सांग ना आम्हाला. फाइंड द चेंज विचारला ना क्वेश्चन आहे, फाइंड द चेंज. ऋषिकेश, क्लैंप का मीनिंग है उसको पकड़ के रखा हुआ है. क्लैंप, क्लैंप नहीं लगाते क्या अपन किसी चीज पे, अगर वो स्लाइड हो रही वगैरह तो पकड़ के रखा है उसको. क्लैंप का मीनिंग है उसको पकड़ के रखा हुआ. -2 M1 नहीं. चलो मैं बताऊं क्या, इनिशियली क्या था, पुली क्लैंप थी ना.
M2 M1 इनिशियली क्या था, पुली क्लैंप थी, ठीक है, इनिशियली क्या था, पुली क्लैंप थी, क्लैंप पुली, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्लैंप पे मतलब मोशन नहीं है, मोशन नहीं मतलब यहां पे एम वन जी फोर्स है, तो यहां पे टेंशन टी वन आएगा एम वन जी, यहां पे दूसरे मास का एम टू जी फोर्स है, तो यहां पे टेंशन आएगा टी टू एम टू जी, मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग है, मतलब दोनों स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग के दोनों पार्ट में, स्ट्रिंग का राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट, एक एक पार्ट एम वन जी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा एम टू जी को सपोर्ट कर रहा है। अब ये दोनों टेंशन यहां पे लग रहे ना ऐसे टी वन एंड टी टू, तो क्लैंप पे कितना फोर्स आएगा भाई, क्लैंप पे फोर्स आएगा टी वन प्लस टी टू ना, तो इनिशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लैंप और इनिशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सीलिंग, सीलिंग पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम वन जी प्लस एम टू जी, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये इनिशियली था, इनिशियली, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन क्लैंप इज रिमूव्ड, व्हेन क्लैंप इज रिमूव्ड, अभी क्लैंप को अगर तुमने रिमूव कर दिया, अब अगर क्लैंप को तुमने रिमूव कर दिया तो अभी क्लैंप को रिमूव करने के बाद क्या होगा, उसकी मोशन शुरू हो जाएगी, मोशन शुरू हो जाएगी मतलब एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो इधर का टेंशन टी और इधर का टेंशन टी, दोनों टेंशन टी सेम आएंगे, और याद करो ये टेंशन टी अपन ने इसके पहले के क्वेश्चन में फाइंड किया है, जब एक्सेलरेशन आ रहा था क्या फाइंड किया है? मैं आपको दिखाता हूं एक सेकेंड ना, किधर गया वो क्वेश्चन जिसमें दो पुलिस थे वर्टिकल, हाँ यही है, देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे अपन ने फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, देखो ये यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एम वन एम टू जी अपन एम वन प्लस एम टू, तो मैं ये वाला टेंशन लेके जा रहा हूं वहां पे, ठीक है, ये टेंशन टी आता है यहाँ पे, सही बात है। तो ये टेंशन जो है, ये टेंशन ऐसे यहां पे लगेगा टी, ऐसे यहां पे लगेगा टी, तो अभी सीलिंग पे लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सीलिंग कितना है, अभी वो टू टी ना, ये टी और ये टी, टू टी ना अभी सीलिंग पे लगने वाला फोर्स, टू टी बोले तो इसका डबल करो, फोर एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, सही बात है, एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन राइट, सब लोग ध्यान दे रहे। ये आ गया F2। अभी हमें पूछा था कि व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स, क्लैंप को रिमूव करने के बाद फोर्स में कितना चेंज आया, तो चेंज कितना आया, वो आया F1 माइनस F2, बोले तो M1 प्लस M2 जी माइनस 4M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2, इसमें से जी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2 का ब्रैकेट माइनस 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का ब्रैकेट। अभी मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, ये अपना बेसिक मैथ्स है जो अपन बचपन में करते थे, M1 प्लस M2 इसको मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी इसको एक्सपांड करो और सिंप्लीफाई करो, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ M1 M2 माइनस 4M1 M2 टोटल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। देखो प्लस 2M1 M2 माइनस 4M1 M2 कितना होगा, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस 2M1 M2 M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2 इज M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर ना, या फिर M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर, जी इन ब्रैकेट M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा आपका आंसर,
समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड? m1 माइनस m2 का स्क्वायर होता है। अरे m1 माइनस m2 तो स्क्वायर कर, नहीं तो m2 माइनस m1 तो स्क्वायर कर, कहीं फर्क पड़ता का स्क्वायर है जन, तो माइनस फोर था स्क्वायर, तो m2 का r जास्त है ना, तो म्हणून m2 मी m2 माइनस पहिले m1। लिहिलं, पण m1 माइनस m2 केलं काय, m2 माइनस m1 केलं काय, दोन्ही पण सेमच येणार आहे. अभी समझे क्या? सर ते सर क्लॅम्पिंग च्या कंडिशन मध्ये स्प्रिंग तर एकच होती ना सर, मग टेन्शन वेगवेगळे कसे घेतले? कारण फिक्स करून ठेवलं होतं ना बेटा. मला सांग, क्लॅम्पिंग क्लॅम्पिंगच्या कंडिशन मध्ये मोशन होती का? नाही, नाही मोशन नव्हती. तर मग फोर्सेस फोर्सेस बॅलन्स व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे? व्हायला पाहिजे. मोशन नाही म्हणलं फोर्स बॅलन्स व्हायला पाहिजे. मग बॅलन्स व्हायला पाहिजे म्हणल्या इथलं टेन्शन T1, T1 ने याला बॅलन्स केलं पाहिजे, आणि इथलं T2, T2 ने याला बॅलन्स केलं पाहिजे. केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे? म्हणून दोन्ही बाजूला टेन्शन वेगळंच होतं. तू धरून ठेवलं ना त्याला असं पक्क, त्याला तो मोशन करू देत नाहीये ना, दोन्ही साइडनी टेन्शन वेगळं येईल ना. तू स्ट्रिंगला तू फ्री सोडतोय का? नाही, स्ट्रिंगला फ्री सोडत नाही ना. स्ट्रिंगला तू फ्री सोडलं की मोशन सुरू होईल, आणि मग स्ट्रिंग मध्ये सगळ्या ठिकाणी टेन्शन सारखं येईल. ओके, अंडरस्टूड? ओके, तर असे क्वेश्चन्स असतात. आता मी तुम्हाला, हा बेटा, अभी डिसाइड नहीं किया, वो आया वैसे, वो आ गया, वो M1G प्लस M2G था इनिशियल, और जो फाइनल था वो आ गया ट्वाइस ऑफ M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. अब डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन अब एक क्वेश्चन ही ऐसा दिया था कि फाइंड द चेंज इन सीलिंग, तो मैंने F1 माइनस, अगर मेरा गलत होता तो मेरा आंसर माइनस में आता, अगर पहला वाला कम होता और बाद वाला ज्यादा होता तो आंसर माइनस आता ना. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द चेंज. तो 4 इनटू m1 m2 है ना? नहीं ना बेटा, 2 है. अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 4 है, 4 है, तो डबल लगता ना दे, करेक्ट, ये फोर्स ना. बेटा मुझे पता नहीं था कौन सा फोर्स ज्यादा और कौन सा कम है, तो मैंने रैंडमली पहले वाले में से दूसरे में माइनस किया, मुझे चेंज. दादा ए बग, हे जे टेन्शन आहे ना टी, हे टी आणि हे टी, हे दोन्ही टी लागतील ना बेटा इथे. ओके, मी आपण जे क्वेश्चन करतो ना लेक्चर्स मध्ये, तुम्ही ते क्वेश्चन परत एकदा स्वतःहून करून बघत जा बरं का. जो क्वेश्चन आपण क्लास में करते उन क्वेश्चन्स को तुम एक बार खुद करते जाओ. अभी मैं इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ. शॉर्टकट मतलब ये शॉर्टकट नहीं है वैसे, कॉमन सेंस है, मतलब बहुत से बच्चों को ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ. ओके, यूजुअली आई हेट शॉर्टकट्स, बट आई एडमिट शॉर्टकट्स डू मेक लाइफ इजियर. शॉर्टकट से काफी चीजें इजी हो जाती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद ही शॉर्टकट्स को यूज करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं. अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. इसका क्या मतलब है? नेट फोर्स मतलब कौन सा? नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम, सिस्टम को चलाने वाला नेट फोर्स लेना है, और डिवाइड बाय टोटल मास. मतलब क्या? देखो मैं बोलता हूं, पहला क्वेश्चन जो था अपन ने जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था, ध्यान दो, 2 मिनट का काम है बस, एवरीबॉडी पे अटेंशन. यहाँ पे नीचे खींचने वाला फोर्स क्या था? M2G. और मुझे बताओ कौन बताएगा यहाँ पे पीछे खींचने वाला फोर्स कितना था? व्हाट वाज द फोर्स पुलिंग बैकवर्ड? जीरो. जीरो सिस्टम के लिए, जीरो. हाँ, सिस्टम के लिए पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं था, पीछे खींचने वाला फोर्स जीरो था. तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. सिस्टम को खींचने वाला सिर्फ M2G था, सिस्टम का टोटल मास आएगा M1 प्लस M2. यह आ गया आपका एक्सेलरेशन. डायरेक्ट आंसर आता है, बिना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए डायरेक्टली आ जाता है. लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया ये, मैं चाहता था कि सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉपरली सॉल्व करो. वंस यू गेट हैंग ऑफ एवरीथिंग, वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अभी इसको आप यूज करो तो चलेगा. पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है ना?
ये सिस्टम देखनी पड़ेगी पूरी. यू हैव टू लुक एट द सिस्टम. अगर लेट अस से ऐसा क्वेश्चन आ गया, रुको लेट मी गिव यू एग्जांपल. अपन ने फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा किया था, एक क्वेश्चन ये M2 है, ये M1 है और इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो सिस्टम को इधर इधर खींचने वाला फोर्स M2g और सिस्टम को इधर खींचने वाला फोर्स M1g. तो अभी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. पे अटेंशन, पे अटेंशन, ये नेट फोर्स है M2g, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में M2g लेके जा रहा है और एक्सेलरेशन के अपोजिट M1g है, M1g माइनस अपॉन टोटल मास. सिस्टम का टोटल मास ये आ गया एक्सेलरेशन. ऐसे भी कर सकते हो, फटाक से आ जाता है, फटाक से आ जाता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. जो अपन ने एक और एग्जांपल लिया था, देखो ऐसा एक ऐसा एग्जांपल लिया था अपन ने, M2, M1 और ये एंगल दिया था थीटा. फाइंड एक्सेलरेशन ए. इसमें भी क्या करोगे आप? देखो सिस्टम को इधर खींचने वाला फोर्स कौन सा है? M2g sin थीटा. और पीछे खींचने वाला फोर्स कितना है? जीरो है, पीछे कोई नहीं खींच रहा उसको. ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम? द फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम इज M2g sin थीटा. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम? M2 प्लस M1. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. फटाक से आंसर आ जाता है इससे. ओके ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? आप मेरे को फटाक से आंसर बताओ. लास्ट एग्जांपल है आज का, देन वी विल स्टॉप. मैं वैल्यू भी दे देता हूं आपको, 4 kg, 1 kg, 1 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन T1 एंड T2. एक्सेलरेशन भी फाइंड करो. सारे सर्फेसेस स्मूथ है और जो शॉर्टकट मैंने बताया वो यूज कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है. अभी फ्री बॉड डायग्राम बिना निकाले भी जल्दी से आंसर दे सकते हो. ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है. एक्सेलरेशन कितनी था बेटा? 5. ओके तुमने देखा होगा कि सिस्टम का एक्सेलरेशन तो राइट साइड में आएगा. क्यों? क्योंकि 4 kg ना, इधर इधर 1 kg है, इसलिए. तो देख लो कि इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है. ये 40 N है, mg, सही बात है. और इसको नीचे खींचने वाला 10 N है. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स? 40 - 10. 40 - 10, व्हाट इज द टोटल मास? माइनस क्या बोल रहे बेटा? माइनस क्यों किया बेटा? इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 40 है और इसका एक्सेलरेशन अप आएगा ना, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट है ना 10 N. तो 10 N सिस्टम को पीछे खींच रहा है, 40 N सिस्टम को आगे खींच रहा है. Am I right? Yes, sir. हाँ, इसलिए 40 में से 10 को माइनस किया और फिर टोटल मास कितना बेटा सिस्टम का? 1 + 1 + 4. ये हो जाएगा 30/6 kg, 5 m/s. ये आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन. अब इसमें क्या है कि तुमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया.
ऐसे डायरेक्ट आंसर्स भी तुम फाइंड कर सकते हो, लेकिन सफिशिएंट प्रैक्टिस कैसे करो। निकालना? अभी टेंशन के लिए तो फिर तुमको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका कोई चॉइस नहीं है। इसका डायग्राम ड्रॉ करो 1 kg का, इसको ऊपर खींचने वाला टेंशन T1 आएगा ना, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई। इसको नीचे 10 न्यूटन है और इसका एक्सेलरेशन अप है। इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, T1 माइनस 10, मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 8। T1 पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। T1 माइनस 10 इक्वल टू 1, T1 इक्वल टू 11 न्यूटन। टेंशन बिना फ्री बॉडी डायग्राम के नहीं आएगा, टेंशन का कोई शॉर्टकट नहीं। ओके वैसे इसका ओ सॉरी 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 एक्सेलरेशन 5 है, मुझे 5 लेना चाहिए था यहाँ पे। हाँ 15 आएगा, मैंने 1 ही ले लिया, 15 न्यूटन आएगा। और T2 के लिए ये 4 kg है, ये 40 न्यूटन, ये टेंशन T2 और एक्सेलरेशन A। यहाँ पे इक्वेशन आएगा 40 माइनस T2 इक्वल टू 4A। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 इनटू 5, 20। T2 हो जाएगा 20 न्यूटन। हाँ बेटा ये पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, करेक्ट है ना। ओके चलो भाई आज यहीं पे रुकते हैं, 12:15 हो चुके हैं, तो बहुत से बच्चों का नेक्स्ट लेक्चर है अभी। शॉर्टकट म्हणजे आता शॉर्टकट म्हणू शकतो तू, आता मी तर याला शॉर्टकट म्हणत नाही, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे ना हे, की ऍक्सलरेशन ऑफ सिस्टीम इज इक्वल टू नेट फोर्स ड्रायव्हिंग सिस्टीम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टीम। तो तू हे नेहमी वापरू शकतो। सारे के सारे होंगे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम 99% 99.9% हो जाएंगे। अब एक आध दूसरा क्वेश्चन हो सकता है यार कि जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका मतलब सिर्फ है ना सिस्टम को ड्राइव करने वाला जो फोर्स है उसको क्लियर लिया करो। जैसे अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, ये मास है M2 और ये है M1, तो सिस्टम को इस डायरेक्शन में खींचने वाला फोर्स कौन सा है, M2g sin बीटा, और सिस्टम को पीछे खींचने वाला M1g sin अल्फा। तो अभी M2g sin बीटा में से M1g sin अल्फा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर है देखो ऐसे, और डिवाइड बाय टोटल M1 प्लस M2। तो बस वो उसकी केयर लेनी है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन का फोर्स लेना है। तो यहाँ पे कर दोगे M2g minus M1g upon M1 plus M2, वो नहीं चलेगा। ओके अंडरस्टूड एवरीबडी ऑन द यूट्यूब, समझ में आ गया। चलो भाई आज यहीं पे रुकते कल का जो पीडीएफ है वो मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले अभी पोस्ट कर दिया, और इसका भी पीडीएफ मैं अभी इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन फिर एक बार करो, और कल का लेक्चर किसी को मिस नहीं करना है, क्योंकि कल मैं पुली कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ। कंस्टेंट रिलेशन के सारे क्वेश्चन कल कवर होंगे, सो नोबडी विल मिस टुमारोज एग्जाम, सॉरी नॉट एग्जाम सॉरी टुमारोज लेक्चर, ठीक है। आज यही पे रुकते हैं अपन। हाँ बेटा 6, ये 6th लेक्चर है ना बेटा, तो अगला लेक्चर 7th लेक्चर होगा। तुम काउंटिंग पे क्यों टेंशन ले रहे हो, तू काउंटिंग का टेंशन क्यों ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। काउंटिंग का टेंशन मत ले बेटा, तो काउंटिंग में करता रहूंगा लेक्चर्स की, और सिलेबस भी अपना टाइम पे होगा, उसकी भी चिंता मत करो, तुम पढ़ाई की चिंता करो यार।
तुम पढ़ाई की चिंता करो कि जो पढ़ाया जा रहा है लेक्चर्स में, जो भी क्वेश्चंस हो रहे, जो भी एग्जाम्स हो रहे, वो सब कुछ तुमको आना चाहिए। दैट्स इट। पहली बात तो समझना चाहिए, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। और उसके बाद उसके नोट्स वगैरह निकालने चाहिए, घर पे प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है आपको। ओके, यू डू दैट एंड लीव रेस्ट टू अस, डोंट वरी अबाउट द रेस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बाकी तुम एग्जाम कब होगी, क्या होगी, कैसा वो तुम फ्यूचर का टेंशन मत लो अभी। तुम वीकली टारगेट्स रखो और हर वीक में तुमको क्या करना है तुम उसका ही टेंशन लो बस। ज्यादा आगे की मत सोचो, जब टाइम आएगा तब सोच लेंगे ना भाई। और बाकी सिलेबस टाइम कंप्लीशन पे करने का, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ठीक से होगा। और जो भी चीज़ों पे हम फोकस करने के लिए बोलते हैं सर और मैं, उस पे फोकस करो अच्छे से। ओके, डू नॉट लेट एनी लेक्चर मिस, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस ठीक ठाक प्रॉपर होनी चाहिए। और मेरा एडवाइस लो, हो सके तो मोबाइल पे लेक्चर मत देखो, लैपटॉप या कंप्यूटर या बड़ी स्क्रीन पे देखने की कोशिश करो अगर ऑप्शंस है तो, ताकि आपके आंखों पे ज्यादा प्रेशर ना आए और पढ़ाई में फोकस कर पाओ आप लोग। ओके, चलो भाई आज यहीं पे रुकते हैं। अभी तो 12:20 हो गए, बहुत से बच्चों का भी जाना भी है लेक्चर के लिए। टुडे विल स्टॉप हियर। कंस्टेंट रिलेशन में कल मजा आएगा, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, माई फेवरेट टॉपिक। ओके, आज यहीं पे रुकते हैं। हाँ बेटा, चलो जिनको डाउट्स पूछने हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं, लेक्चर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ओके, जो यूट्यूब वाले वो जूम पे आ जाओ भाई डाउट्स के लिए। सर, सर,